जहां मौसम विभाग आंकड़ों के आधार पर मौसम की भविष्यवाणी करते हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में आज भी लोग प्रकृति में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के आधार पर मौसम का अनुमान लगाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष तौर पर टिटोड़ी के अंडों से ग्रामीण बारिश का अंदाजा लगाते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक टिटोड़ी द्वारा अंडे देना बारिश के लिहाज से शुभ संकेत माना जाता है। यह पक्षी जितने अंडे देता है उतने महीने बारिश होने का अनुमान लगाया जाता है। अगर टिटोड़ी के अंडों का मुंह जमीन की ओर हो तो मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई जाती है। अगर समतल जमीन पर अंडे देती हैं तो औसत वर्षा होने का अनुमान लगाया जाता है। साथियों, अगर टिटोड़ी के अंडे किसी गड्ढे में दिखाई दे तो सूखा पड़ने की संभावना दिखाई जाती है, सूखा पड़ने की भविष्यवाणी कर दी जाती है। अगर टिटोड़ी 4 अंडे देती हैं तो 4 महीने बारिश होने का अनुमान लगाया जाता है। अगर 3 अंडे देती हैं तो 3 महीने बारिश होने की संभावना रहती है। साथियों, ये थी टिटोड़ी द्वारा दिए जाने वाले अंडों के आधार पर मौसम का ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमान लगाने का वीडियो था। तो साथियों, अगर आपने अब तक हमारे कृषि खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।